अपेक्षा, महत्वाकांक्षा और उम्मीद, ये तीन शब्द हैं जो कि किसी भी व्यक्ति के लिए बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है, या तो यूं कहूं कि किसी भी पॉलिटिकल सियासी दल के लिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं कि अपेक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं और उम्मीद, इसी पर जो है आगे बढ़ते हुए कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है वो अपने लक्ष्य को अचीव करती है। हरियाणा में ये तीन शब्द जो है वो कांग्रेस ये मानकर चल रही थी कि इन तीनों शब्दों में अब जो है सफलता बिल्कुल करीब आ चुकी है। लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद जिस तरीके के रिजल्ट आए उसके बाद कांग्रेस जो है वो विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में, यानी कि विधानसभा के रण के परिप्रेक्ष्य में 70 सीटें जीतने का दावा कर रही थी, यानी कि अपेक्षा, महत्वाकांक्षा और उम्मीद। लेकिन उसे सिरे चढ़ाने के लिए जिस तरीके का फील्ड वर्क या ग्राउंड वर्क चाहिए उसको लेकर, ऐसे रणनीति बनाने को लेकर जैसे ही कांग्रेस आगे बढ़ी तो एक छोटी सी अड़चन, छोटी नहीं कहूंगा बल्कि बड़ी अड़चन जो है वो कांग्रेस के सामने आती दिखाई दे रही है। सबसे पहली अड़चन तो ये आ रही है कि कांग्रेस के बड़े नेता जो हैं वो पार्टी से नाराज चल रहे हैं, पार्टी छोड़ने तक की बात जो है वो नेता करते आ रहे हैं। लेकिन अब इसी कड़ी में दूसरी अड़चन, जो लोकसभा के रण में पूरा विपक्ष एकजुट होकर इंडिया अलायंस बनाया गया था और ये तय किया गया था कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टियां एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म के नीचे आकर एक कैंडिडेट उतारकर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगी, वो चीज जो है वो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं सफल होती नजर आई। जब समाजवादी पार्टी का जो परफॉर्मेंस रहा, जिस तरह की परफॉर्मेंस समाजवादी पार्टी की ओर से की गई, उसने एक बड़ा नंबर जो है वो समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनावों में जिताऊ उम्मीदवार देने का काम किया। लेकिन अब समाजवादी पार्टी की अपेक्षा, महत्वाकांक्षा और उम्मीद बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और पुख्ता सूत्र ये बता रहे हैं कि अब लोकसभा के रण के बाद समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर अपने कैंडिडेट्स फील्ड करने के लिए इंडिया अलायंस पर लगातार दबाव और इंडिया अलायंस के साथ लगातार चर्चा का दौर जो है उसे शुरू किए हुए है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जो है वो इसी फॉर्मूला पर काम करते हुए अब उनकी नजर हरियाणा और महाराष्ट्र की विधानसभा चुनावों पर है। हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए अखिलेश यादव, जो पुख्ता सूत्र बता रहे हैं, उनकी ओर से इंडिया अलायंस के तहत ही, गठबंधन के तहत ही उनकी पार्टी को भी टिकट्स आवंटित करने का काम जो है वो किया जाना चाहिए, ऐसी मांग कर रहे हैं। यानी कि टिकटों की मांग जो है उसकी शुरुआत अखिलेश यादव की ओर से की गई है और पुख्ता सूत्रों की माने तो 15 से 20 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार फील्ड करने के लिए अखिलेश यादव जो है वो स्ट्रैटेजी तैयार कर रहे हैं। अब ऐसे परिप्रेक्ष्य में जब लोकसभा के रण से पहले इंडिया अलायंस की बात हुई थी, उस समय हरियाणा के ही कांग्रेस के प्रमुख नेता प्रतिपक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से इंडिया अलायंस का खासा विरोध किया गया था। पंजाब में भी इंडिया अलायंस और जो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में नहीं बनी और इसी के लिए बिना अलायंस के चुनाव लड़ने का काम किया गया, लेकिन हरियाणा में परिप्रेक्ष्य बदले और एक सीट जो है वो आम आदमी पार्टी को देने का काम किया गया। लेकिन अब मामला समाजवादी पार्टी का है। ऐसे में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता, चाहे वो राहुल गांधी, अखिलेश यादव हो, एक मंच पर नजर जरूर आते हैं, जीत का श्रेय जो है कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस को देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अब इंडिया अलायंस के जो घटक हैं, जो प्रमुख दल हैं, जिनकी ओर से प्रमुख कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो लोकसभा में सीटों का किया गया है, उनकी ओर से उनकी अपेक्षा, महत्वाकांक्षा और उम्मीद को जताने का, दिखाने का और रखने का काम जो है वो करना शुरू कर दिया गया है। अब ऐसे में सूत्र यही बता रहे हैं कि अखिलेश यादव की ओर से महाराष्ट्र और हरियाणा की विधानसभा चुनावों के लिए जो है टिकट्स की मांग की गई है, यानी कि अलायंस के तहत उम्मीदवार उतारने की बात की गई है। हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीय दलों के साथ साथ राष्ट्रीय दलों में कांग्रेस व भारतीय जनता पार्टी प्रमुख भूमिका निभाती हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी, INLD, जजपा, ये कई दल हैं जो कि प्रदेश की सियासत में प्रमुख माने जाते हैं। लेकिन अब समाजवादी पार्टी की एंट्री इस पूरे चुनाव को किस तरीके से जो है रोमांचक बनाती है और क्या समाजवादी पार्टी की एंट्री के रास्ते इतने आसान हैं, हरियाणा की कांग्रेस की यूनिट यानी कि हरियाणा कांग्रेस के प्रमुख नेता क्या इस अलायंस को लेकर जो चर्चा चल रही है, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है, कोई हरी झंडी दिखाने का काम करते हैं या फिर सिरे से नकारने यानी कि रेड फ्लैग दिखाने का काम कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस की ओर से किया जाता है। ये तमाम चीजें हैं जिनको लेकर जवाब भविष्य में मिलते दिखाई देंगे, लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से इंडिया अलायंस के तहत टिकटों की मांग जो है अब उसकी शुरुआत हो चुकी है।